हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी गणित की वर्कशीट संख्या 7 जो आज 15 अक्टूबर 2020 को करनी है। बेटा सभी बच्चे सब अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर भी ज़रूर लिखेंगे। आज हम अपने संख्याओं की जानकारी पाठ में पढ़ेंगे। सन्निकट, सन्निकट की समझ। बेटा सन्निकट जो है वो होता है अनुमान लगाना, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एस्टीमेट। एक अनुमान लगा के अंदाज़ा लगाना कि ये कितना है, कोई चीज़ का अंदाज़ा लगाना। जैसे देखिए, आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि बाहुबली की माता जी ने पूछा, आपके जन्मदिन की पार्टी पर कितने मेहमान आ रहे हैं? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, मेरा अनुमान है कि लगभग 40 लोग मेरे जन्मदिन के समारोह में शामिल होंगे। तो अब इसमें क्या, उसने अंदाज़ा लगाया, पक्का डिजिट नहीं पता लेकिन हाँ एक अंदाज़ा, उसको बोलते हैं सन्निकट, कि किसके निकट है। निकट से बना है सन्निकट। निकट जो आप कहते हो ना, किसके पास, तो हमें बताना है कौन सी संख्या के पास है, वो होता है सन्निकट। आकलन क्या है, वास्तविक संख्या का उचित अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना, या निकटतम संख्या या आकलन बताना। तो देखिए बेटा, निकटतम दहाई का आंकलन कैसे करेंगे, निकटतम दहाई के आकलन के लिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर मुझे दहाई का आंकलन करना है तो इकाई के स्थान को देखना है, सैकड़े का आंकलन करेंगे तो दहाई के स्थान को देखेंगे। यहाँ हम इकाई पर संख्या देखेंगे और सैकड़े का करेंगे तो हम दहाई पर संख्या देखेंगे, और हज़ार का करेंगे तो हम सैकड़े के स्थान पर संख्या देखेंगे कि वहाँ पर कौन सी संख्या है। अब देखिए कैसे, संख्या 1 2 3 4, संख्या 1 2 3 4 किसके निकट है, संख्या 1 2 3 4 जीरो के निकट है। बेटा कभी भी एक से लेकर अगर 4 तक है तो उसे नीचे वाले डिजिट से मानेंगे कि वो नीचे के पास है। जैसे अगर मेरे 11 से 14 दोस्त आने वाले हैं तो 10 का हिसाब बना के चलेंगे तो पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर मेरे 15 दोस्त से लेकर 19 दोस्त आने वाले हैं तो मुझे 20 चीज़ों का हिसाब लेकर, अंदाज़ा लेकर चलना है। तो यदि 4 संख्या 5 या 5 से अधिक है तो वह आगे वाली संख्या होगी और आगे की दहाई संख्या लेंगे, और यदि 5 से नीचे है तो पीछे की दहाई संख्या मानेंगे। तो देखिए संख्याएं 1 2 3 4 संख्या 0 के निकट है, इसलिए संख्या निकटतम दहाई के आंकलन निम्न दहाई होगा। जैसे 12 है तो उसे 10, 34 है तो उसे 30, लेकिन यहाँ देखिए 5 6 7 8 9 अगर है तो उसको निकट, उसका दहाई आगे, ऊंची दहाई देखेंगे। देखिए 16 है तो 20, 77 यानी कि 77 है तो 80। इसी तरह से बेटा सैकड़े में भी देखेंगे, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दहाई था तो मैंने कौन सा स्थान देखा, इकाई का स्थान देखा। यहाँ पर देखिए इकाई के स्थान पर देखा 0 है, यहाँ इकाई के स्थान पर 2 है, 4 है, तो आपका 10 और 30 आया, तो इकाई के स्थान पर देखा। यहाँ हम देखिए अब देखेंगे सैकड़े के लिए दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर वही चीज़ देखनी है बेटा। दहाई के स्थान पर देखिए 1 से लेकर, अब दहाई के स्थान पर आप देखेंगे तो यानी कि दहाई आपको बताएगा कि अगर दहाई के स्थान पर 5 आ चुका है, 5 या 5 से अधिक है तो वो अगले नंबर पर चला जाएगा, अगले सैकड़े के स्थान पर जाएगा, अगर 5 से नीचे है तो वो पिछला सैकड़े का स्थान होगा। यहाँ देखिए 301 से लेके 349 तक होगा तो 300 के निकट है, इसलिए संख्या का निकटतम सैकड़े में आकलन 300 होगा। ऐसे ही 648 है तो बेटा 600, 638 है तो 700, यानी कि अगर 601 से लेके 649 तक है तो वो क्या होगा, वो 600 होगा। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर 350 से 399 आपको यहीं पे दिखाया गया है कि देखिए ये 1 से 49 तक, और यहाँ पर 50 से लेकर 99 तक, तो अगले यानी कि 400 के नज़दीक है, और सैकड़े का आंकलन 400 होगा। तो आप ये देखिए 784 को हमने क्या माना, निकटतम आंकलन 800, 950 है तो उसका निकटतम आंकलन हो जाएगा 1000, क्योंकि दहाई के स्थान पर 5 है, 5 आ चुका है। आप देखते हो मार्क्स अगर पेपर में आपके 9.5 आते हैं, 9.5 आते हैं तो उसको क्या माना जाता है, 10 माना जाता है ना, इसी तरह से। और अगर 9.3 आएंगे तो क्या मानेंगे, तो उसको हम 9 नंबर मानेंगे।
तो इस तरह से देखिए निकटतम हज़ार का आंकला, जब हमें निकटतम हज़ार का आंकलन करना है तो हज़ार में देखिए उससे एक स्थान पहले यानी कि सैकड़े के स्थान पर आप देखेंगे कि सैकड़े के स्थान पर क्या है। सैकड़े के स्थान पर अगर एक से चार है तो वो नीचे, और अगर पाँच से लेकर नौ तक की संख्या है तो वो ऊपर का हज़ार होगा। ऊपर के हज़ार का आंकलन, निकटतम हज़ार का आंकलन किया जाएगा। देखिए कैसे संख्याएं 4001 से लेकर 4999 4000 के निकट है। देखिए बेटा यहाँ ज़ीरो और यहाँ पे चार, तो यहाँ पर हमें वही देखना है कि हम अगर हज़ार का देख रहे हैं तो सैकड़े के स्थान पर क्या है। इसलिए संख्या का निकटतम हज़ार का आंकड़ा 4000 है। 5221 का निकटतम हज़ार क्या होगा? 5000। और 7198 का निकटतम हज़ार क्या होगा बेटा? देखिए यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर क्या है? एक, तो वो पाँच से पाँच या पाँच से छोटा है, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? 7000। यहाँ पर था दो इसलिए आ गया 5000। अब देखिए यदि यहाँ पर 4500 से 4999 यानी कि 500 से लेकर 999, तो 5 से लेकर 9 तक की संख्या होगी बेटा सैकड़ा स्थान पर। अगर ऐसा नहीं है यहाँ 4 है या 5000, 6000, कुछ भी हज़ार के स्थान पर हो सकता है, हमें उसके सैकड़े के स्थान को देखना है, तो इसको 5000 के निकट मानेंगे। इसलिए संख्या का निकटतम हज़ार का आंकला 5000 होगा, आंकलन 5000 होगा। अब देखिए 5555 अब आपका दहाई के स्थान पर है 5, तो इसको क्या मानेंगे? जी बिल्कुल सही, आप सब सही समझे, आपको अच्छे से समझ आ गया मुझे पता चल रहा है। तो आपका वो क्या हो गया? 5 या 5 से अधिक है सैकड़े के स्थान पर, तो वो 6000। अब है 8699, तो 8699 को आप क्या मानेंगे? सैकड़े के स्थान पर 6 है। 9000 बेटा आगे बढ़ेगा, वो अपने निकटतम जो उसका है वो ऊंचाई वाला सैकड़े ऊंचाई वाले हज़ार का स्थान लेगा। अब देखिए हमारा अब जो आज के हमें प्रश्न करने हैं वो क्या है बेटा? देखिए निम्न संख्याओं का निकटतम दहाई का आकलन कीजिए। तो बेटा निकटतम दहाई का आंकलन क्या है? यहाँ पर देखिए दहाई के लिए करना है तो इकाई के स्थान पर देखा हमने 37, जो कि 5 या 5 से अधिक है, तो इसका क्या आ जाएगा उत्तर? इसका आएगा 40। इस तरह से हमें यहाँ पर भी दहाई के स्थान के लिए करना है, तो दहाई के स्थान के करने के लिए हमें यहाँ पे उत्तर आया 40। यहाँ दहाई के स्थान के लिए देखिए इकाई पर 5 है तो ये आया 120। यहाँ पर हमें दहाई तक करना है और इकाई के स्थान पर है 9, तो ये आया 260। अब देखिए हमें सैकड़े के स्थान तक आंकलन करना है, निकटतम सैकड़े के स्थान का आंकलन करेंगे तो हमें दहाई का स्थान देखना है। तो यहाँ पर देखिए बेटा सैकड़े के लिए जब हमने दहाई को देखा तो यहाँ पर दहाई के स्थान पर है 7, जो कि 5 और 5 से अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा? 200, क्योंकि सैकड़े के स्थान पर करना है हमें। अब यहाँ पर देखिए दहाई के स्थान पर 4 है जो कि छोटा है 5 से, तो 500। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका 1150 है, तो 1150 में बेटा आप क्या देखेंगे? आपको देखना है सैकड़े के लिए दहाई का स्थान, तो दहाई के स्थान पर है 1150। तो 1150 में 5 है दहाई के स्थान पर, तो 5 के दहाई के स्थान पर होने पर हमारा सैकड़ा क्या बन जाएगा? 1200। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम अगले प्रश्न को करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आप देखिए अगला जो है अगला प्रश्न है निकटतम निकटतम हज़ार का आंकलन कीजिए। तो बेटा निकटतम हज़ार के लिए हम अब सैकड़े के स्थान को देखेंगे, तो सैकड़े के स्थान पर क्या है? 3, जो कि 5 या 5 से छोटा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1000। अब देखिए यहाँ पर हमें हज़ार के लिए करना है तो यहाँ सैकड़े के स्थान पर है 5, तो सैकड़ा जो स्थान है उस पर 5 है, तो ये हो गया 10000। अब इसी तरह से देखिए यहाँ पर मुझे हज़ार में करना है और हमारी संख्या क्या है? 10254, तो सैकड़े के स्थान पर है 2, जो कि 5 या 5 से छोटा है, तो इसका भी क्या होगा आकलन? इसका भी आकलन आएगा 10000। इसका भी उत्तर है बेटा 10000। इस तरह से आपके आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो फटाफट ले लीजिए, नहीं तो ये संख्याएँ लिख लीजिए। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बेटा, हमारा अगला प्रश्न है
आपके परिवार में विवाह समारोह आने वाला है, मेहमानों की संख्या का अनुमान लगाइए। अब आपके घर में कोई शादी होने वाली है, कोई समारोह होने वाला है, तो उस ओकेजन पे कितने मेहमान आएंगे आपको उसका आकलन लगाना है। आप सभी रिश्तेदारों की लिस्ट बनाइए, अपने सभी सगे संबंधियों की लिस्ट बनाइए जो आपको लगता है कि शादी पर आएंगे, और फिर आपको टोटल यहाँ पर बताना है। तो आपको टोटल बताते हुए तब पता चलेगा कि एस्टिमेशन का हमारा, देखिए यहाँ पर किसका यूज़ होगा, यहाँ पर आपका सन्निकट, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि लगभग 300 लोग आ जाएंगे, लगभग 500 लोग आ जाएंगे, जैसे मैंने कह दिया 300 लोग आ जाएंगे। तो ये आपको अपने सारे रिश्तेदारों के जब आप नाम लिखेंगे और यदि वो 157 आया तो आप उसको कौन सा नंबर एस्टिमेट करेंगे, वो आपको उसको लिखना है। तो अब देखिए कोविड के संदर्भ में हमारे उचित व्यवहार का संदेश, नियमित रूप से अपने हाथ साबुन और पानी से ज़रूर धोएं। बेटा हम सभी आज इसीलिए दूर है, हम सभी यूट्यूब से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कोविड-19 के पेंडेमिक की वजह से, और हमें इसे हराना है और वापस अपनी दुनिया में, अपने स्कूल में, अपने वापस मिलना है और फिर से इंजॉय करना है। इसके लिए हमें सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है और अपने सभी सगे संबंधियों को भी अवेयर करना है कि सभी इन चीज़ों को फॉलो करें और हमें मिलकर कोविड को हराना है। तो इसी तरह से बेटा सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और आज लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में, इसीलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और अपना काम आप समय पर कर सकें। हम लोग बेटा स्कूल में भी आ रहे हैं तो काम करना बहुत ज़्यादा कई बार मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आप सभी चैनल पर कनेक्टेड रहिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप अपना काम कर सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।